हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे आई विल टेल यू दैट व्हाट एग्जैक्टली इज रियल नंबर्स, बिकॉज आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी दैट सर आवर फंडामेंटल इज नॉट क्लियर। वो मैथ्स के बड़े बड़े कैलकुलेशन करते हैं, पर उनसे अगर पूछ लो कि रियल नंबर क्या है, उनको नहीं पता। उनको पूछ लो HCF क्या है, उनको अच्छे से नहीं पता। LCM क्या, नहीं पता। सो वो नहीं होना चाहिए। आपका फंडामेंटल जो है वो कोर से स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। देखो रियल नंबर्स क्या होता है, जो भी नंबर्स से आप डील करते हो अप टू 10 ऑब्वियसली वो रियल नंबर ही होता है, चाहे वो रैशनल हो इरेशनल हो। यानी कि रियल नंबर के अंदर दो कैटेगरी होते हैं, एक रैशनल का और इरेशनल का। अब बोलोगे सर हाँ रैशनल तो हमें पता है, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 ये रैशनल नंबर होता है, ठीक है, डेफिनेशन तो पता है, बहुत अच्छी बात है। इरेशनल नंबर क्या होगा, जो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते इन फॉर्म ऑफ P/Q वो इरेशनल नंबर होगा, ये भी सही है। पर अगर मैं बोल दूँ 4.237... ये क्या है, देखो ये डेसिमल जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बंद नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग है, यानी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, तो ये क्लियरली इरेशनल नंबर है। वही अगर 4.2 होता तो ये टर्मिनेटिंग है, और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो सीधी बात है कि ये इरेशनल है। ध्यान से समझना इस बात को, अगर ये टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ या नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ रिपीटिंग है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.2 बार, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर रिपीटिंग है, यहाँ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, ध्यान दो, तो ये होगा हमारा रैशनल ही, क्योंकि हम इसको P/Q वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मैं आने वाले क्लासेस में, आप फुल क्लासेस देखोगे लॉन्ग वीडियोस में, आने वाले क्लासेस में ऑब्वियसली बताने वाला हूं कि किस तरह कन्वर्ट करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं जो आपको एक बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको HCF LCM का भी पता नहीं होता, इसमें उनकी गलती नहीं है, उनका फंडामेंटल वीक होता है ड्यू टू मैनी रीजंस, ठीक है, पर वो दूसरों के सामने एक्सेप्ट करने में घबराते हैं, इसलिए वो आगे जाके और बुरा फंस जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए अपने फंडामेंटल्स को बिना झिझक के अपने टीचर से, ट्यूटर से, पेरेंट्स से, किसी से भी क्लियर करवाने की कोशिश करिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आगे जाके आपका फाउंडेशन बनता है, राइट, वो आगे की पढ़ाई का फाउंडेशन है। तो यहाँ पर मैं आपको HCF और LCM का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान तरीके से फंडामेंटल पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इन दोनों में। खासकर HCF को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा फैक्टर और मल्टीपल के बीच का डिफरेंस, अगर नहीं पता वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं दिख रहा हूँ 4 × 3 इज इक्वल्स टू 12, इसका ये मतलब है कि 4 और 3 फैक्टर्स हैं, 12 उनका मल्टीपल है, राइट, 4 और 3 का मल्टीपल 12 है और 4 और 3 12 के फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, इन दो नंबर हैं 42 और 14, इनके आप फैक्टर्स को लिखोगे, तो सबसे पहले 42 का हमने क्या लिखा, 7 × 3 × 2, बिल्कुल सही है, 14 का क्या लिखा, 7 × 2। अब देखो इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर हैं 7 और 2, देख रहे हो 7 और 2, उनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 14, यानी 14 ही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये बोला ही है HCF, राइट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 7 × 2 दैट इज 14, जो भी कॉमन आए उनको मल्टीप्लाई कर देना, बड़ा ही सिंपल तरीका है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, 42 और 14 प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, इनके बीच कॉमन फैक्टर्स को निकालो, उनका प्रोडक्ट करो, 7 × 14, मतलब ऑब्वियसली 14 तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो बच जाता है, जो बच जाता है, जैसे 3 यहाँ पर लेफ्ट हो गया ना, बच गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया 42। अब आप अगर फार्मूला से ना जाओ और जनरली जानने की कोशिश करो, तो भी 42 और 14 का अगर आप मल्टीपल निकालने का कोशिश करो, तो सबसे लीस्ट मल्टीपल 42 ही तो आता है, क्योंकि 42 1s are 42 और 14 3s are 42, सबसे कम यही है, ठीक है, इसलिए 42 हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। और ये हमेशा ध्यान रखना, बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, उन लोगों को लगता है कि LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो वो छोटा होगा और HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो वो बड़ा होगा, नहीं होता, HCF हमेशा स्मॉल होता है और LCM हमेशा बड़ा होता है। आई होप ये फंडामेंटल इन दोनों को लेकर पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अब हम थोड़ा ये इस बारे में जान लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली होता क्या है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब भी हम रियल नंबर्स की बात करते हैं। तो देखो जैसे कोई भी एक नंबर आप लेते हो, कोई भी एक नंबर लेते हो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट वेदर इट विल बी अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इट कैन बी एनी ऑफ द नंबर, उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिया हुआ है पहला 24, तो 24 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की कोशिश करूँगा तो उसको मैं ब्रेक करूँगा सबसे सिंपलेस्ट नंबर्स पे, ठीक है, तो 2 × 3 दैट इज 6, 6 3 = 18, 18 ×